जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम से साउथ अफ्रीका की टीम ने अपना बदला ले लिया है। आप सभी को बता दें कि 5 मैचों की T20 सीरीज के बीच वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा मुकाबला में साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 16 रनों से हार का सामना कराया। आप सभी को ये भी बता दें कि मैच में टॉस हारकर वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका के लिए कप्तान टेम्बा बावुआमा ने सबसे ज्यादा 33 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला, लेकिन दूसरी तरफ ओपनर रीजा हैंड्रिक्स ने 42 रनों की शानदार पारी खेली और विकेटकीपर बल्लेबाज क्वेंटन डिकॉक ने भी 20 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के की मदद से 26 रनों का योगदान दिया। इन सभी बल्लेबाजों की पारियों के दम पर अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए 166। डर तो इनके मन में ये भी था क्योंकि पिछला जो मुकाबला था पहला T20 उसमें 161 ही बनाए थे जो 15 ओवर में चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज की टीम ने। लेकिन यहां पर दोस्तों वेस्ट इंडीज की ओर से ओबेड मैकिया ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए थे गेंदबाजी करते हुए। इसके अलावा केविन सिंक्लेयर ने खाते में 2 विकेट गया। जेसन होल्डर और आंद्रे रसल भी 1-1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। अब यहां पर 167 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआती अच्छी रही और पहले विकेट के लिए दोनों ओपनर्स ने 31 रनों की पार्टनरशिप खेली। एविन लुइस ने 21 रन बनाकर आउट हुए तो टीम के लिए आंद्रे फ्लेचर ने सबसे ज़्यादा 35 रनों की पारी खेली। फैबियन एलिन ने 34 रनों को योगदान दिया, लेकिन इन्हें किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला और टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 150 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरीके से हावी दिखे थे। कागिसो रबाडा ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट तो वहीं जॉर्ज लिंडे के खाते में 2 विकेट, लुंगी एनगिड़ी एंजिक नौरकिया तथा तबरेज शमसी के हाथ में भी 1-1 विकेट आया। 4 ओवर में महज 19 रन देके 2 विकेट चटकाने वाले जॉर्ज लिंडे को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला क्योंकि दोस्तों खतरनाक विकेट इन्होंने हासिल करी थी। आप सभी को बता दें स्कोर कार्ड क्या रहा था, जिसमें क्रिस गेल, आंद्रे रसल और पोलार्ड जैसे खिलाड़ी क्यों फ्लॉप साबित हुए, उनकी विकेट किसने चटकाई थी, इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों। क्योंकि ये मैच बड़ा ही एंटरटेनिंग लग रहा था, एक समय पर लग रहा था कि आसानी से यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत जाएगी। पिछला मुकाबला भी 161 रनों का था तो 15 ओवर में ही चेस कर लिया था। मैदान भी दोस्तों वही था, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जिया ग्रेनेडा का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पुरन 11 गेंदों में 9 रन बना पाए। लिंडे ने इनकी विकेट ली थी, रबाडा ने ली थी, क्रिस गेल की विकेट 6 गेंदों में 8 ही रन बना पाए थे। इसके अलावा दोस्तों आंद्रे रसल की विकेट 4 गेंदों में 5 रन बना पाए थे, तभी उनकी विकेट लिंडे ने ले ली थी। तो लिंडे ने दोस्तों 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट ली थी, जो कि थी निकोलस पुरन और आंद्रे रसल की, बहुत अच्छे समय पर ली थी। अगर नहीं लेते तो ये मैच कभी भी पलट सकते हैं दो खिलाड़ी। इसके अलावा दोस्तों बात करें केरन पोलार्ड की तो वो 4 गेंदों में 1 ही रन बना पाए। उसके अलावा जेसन होल्डर ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए लेकिन रन आउट हो गए थे। फैबियन एलन ने दोस्तों लास्ट में 12 गेंदों में 34 रन बनाया, 5 छक्के मारे थे, लेकिन लुंगी एनगिड़ी ने इनको LBW आउट करके चलता कर दिया। तो ये है दोस्तों वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच का एक छोटा सा हाईलाइट, जहां पर हमें चौके छक्के की बरसात बहुत कम देखने को मिली क्योंकि पिछले मुकाबले में तो 15 छक्के लगाए थे वेस्टइंडीज की टीम ने और इस मुकाबले में दोस्तों 5 छक्के फैबियन एलन के बल्ले से, 1 छक्का जेसन होल्डर के बल्ले से देखने को मिला। इसके अलावा बाकी सब फ्लॉप नहीं रहे, लेकिन इवन लुइस और आंद्रे फ्लेचर ने भी 1-1 छक्का लगा ही दिया था। तो ये रहा दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के दूसरे मुकाबले का हाल, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने 16 रनों से जीत कर सीरीज बराबर कर रखी। अब 3 मैचेस और बचे हैं, बहुत कांटे की टक्कर है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक है, हर कोई T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में साउथ अफ्रीका की टीम भी अब मजबूती के साथ वापसी करी है, बाउंस बैक करा है दोस्तों कह सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।